सर्वाइविंग 24 आवर्स इन अ कार इन जस्ट 1000 रुपीस। अगला व्लॉग आएगा उसमें मैं गिव अवे करने वाला हूँ। इस 1000 वाले नोट पर, इस 1000 रुपीस पर हमने 24 आवर सर्वाइव करना है और गिव अवे होगा 10000 रुपीस का, मतलब 10000 रुपीस, 10000 रुपए। क्यों किया मैंने ये चैलेंज, क्यों? और मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के नेम्स बोलूंगा, ठीक है? उसमें से जो एक निकला उसको मैं 10000 रुपए दूंगा। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर डे। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ही बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। मुझे पता है कि मैंने व्लॉग बहुत लेट अपलोड किया है। आई थिंक 3 वीक्स हो गए व्लॉग अपलोड किए हुए। दरअसल इसका भी मेरे पास एक जवाब है, क्योंकि मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, मुझे फीवर हो गया था, फ्लू हो गया था, दैट्स वाई मैं व्लॉग नहीं कर सका। मैंने बहुत कोशिश की व्लॉग करने की, बट मुझसे व्लॉग नहीं हो पाया। सो ये मैंने टाइम दिया था 3 वीक्स का, और मैं रिकवर हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से। बाकी यार तुम लोग रोला चेक करो, तुम्हारी फेवरेट कार कितनी प्यारी लग रही है। आज मैं इसको वॉश करवा कर आया हूँ और पॉलिश भी करवाई है। शाइन चेक कर रहे हो, फ्लेक्स चेक कर रहे हो भाई, फुल स्मैक्सी सेक्सी कार हो गई है अपनी। माशाल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, तो आज का व्लॉग है किस बारे में? टाइटल देख के और थंबनेल देख के तुम लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि आज का व्लॉग है किस बारे में। आज का व्लॉग है स्पेंडिंग 24 आवर्स इन जस्ट 1000 रुपीज। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, 24 घंटे हमने बिताने हैं, मतलब अभी से लेकर कल इस टाइम तक हमने कार में रहना है और कार से बाहर नहीं निकलना। 24 घंटे होंगे वो हम बिताएंगे 1000 रुपीस पर, चाहे फिर गाड़ी का पेट्रोल हो, फिर चाहे हमारा खाना हो, जो मर्जी हो, हमने सिर्फ 1000 रुपए में सब कुछ सरवाइव करना है। अगर 1000 रुपए ख़त्म तो भाई हम उसके अलावा कुछ भी नहीं स्पेंड कर सकते, हमें गाड़ी में बैठना होगा और 24 घंटे बिताने होंगे। तो हम इस तरह करेंगे कि आज जो 1000 रुपीस वाला चैलेंज है स्टार्ट करते हैं, और मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कार में मेरी पेट्रोल बहुत कम है। तो हमें उसी 1000 में पेट्रोल भी डलवाना है, खाना भी खाना है, जो कुछ हमने करना है इन्हीं पैसों में करना है। बाकी पैसे मैं साथ नहीं लेके आया, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, तुम लोग ये ना कहोगे बाकी पैसे भी साथ लेके आया, मैं सिर्फ अपनी कार में 1000 रुपये लेके आया हूँ, दिखाता हूँ। ये तुम लोग देख सकते हो, सिर्फ 1000 रुपीज है हमारे पास, और बाकी वेप है और चार्जर है और कुछ भी नहीं है अपनी कार में। सो ये 1000 रुपीज है, इस 1000 रुपीज में हम लोगों ने सरवाइव करना है। सो हाँ, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं व्लॉग, और इस 1000 वाले नोट पर, इस 1000 रुपीज पर हमने 24 आवर सर्वाइव करना है। जैसे मर्जी करें, पेट्रोल डलवाएं, खाना खाएं, जो मर्जी करें, हमने इस 1000 में ही करना है, इसके अलावा हमें और पैसे नहीं मिलेंगे। सो या सब्सक्राइब अगर नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि जब भी न्यू व्लॉग अपलोड हो तुम लोग मिस ना कर सको। बाकी सॉरी यार, बहुत लेट मैंने व्लॉग अपलोड किया, बहुत आप लोगों के बहुत मैसेजेस है मुझे, गुरमान भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहा 3 वीक्स से, तो सॉरी उसके लिए, इंशाल्लाह अब से ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरे बस में नहीं था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी, दैट्स व्हाई मुझे 3 हफ्ते लेने पड़े रिकवरिंग के लिए। लेकिन अब मैं फिट हूँ और अब हम 1000 रुपीज़ पर सर्वाइव करने वाले हैं, लेट्स गो। क्या तुम तैयार हो? रोला बस साथ दे देना मेरा, यार पेट्रोल बहुत कम है मुझे पता है तुम्हारे अंदर, लेकिन बंद मत होना, रिजर्व भी हो तो कर लेना, लेकिन प्लीज़ मुझे धोखा मत देना, प्लीज़ मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ यार, तुम मुझे धोखा मत देना। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। अच्छा जी, ये क्यूट से फैंस आए हैं, कैसे हो भाई, कैसे हो आप, कैसे हो, ठीक हो? मैं आपको कह रहा था, मैं आपके चैनल को देखता हूँ, मैं आपके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करता हूँ। तो सारे ब्लॉग्स देखते हो मेरे? हाँ जी, जब भी नहीं आते देखता हूँ। अच्छा, तो मुझे आप ये बताओ, जो मेरा अभी न्यू ब्लॉग आया है वो कौन सा था? रजम वाला। ये मेरी बहन है। कैसी हो आप, ठीक हो? अच्छा, तुम लोग पेट्रोल चेक कर सकते हो कितना कम है, बिल्कुल एंड के करीब है, तो अल्लाह करे जल्दी से खत्म ना हो, क्योंकि अभी हम सिर्फ 93 किलोमीटर चल सकते हैं। कहाँ 93 किलोमीटर, कहाँ 24 आवर्स। सो
अल्लाह साथ देगा। बाकी मैंने एक समझदारी का काम किया, मैं तुम लोगों को बताता हूँ समझदारी का काम मैंने क्या किया। वो समझदारी का काम है ये मैं पानी लेके आया हूँ, ऑलरेडी मैं पानी लेके आया हूँ अपनी कैंटीन से। मैंने पैसे नहीं खर्च किए, मेरी अपनी कैंटीन थी तो मैंने अपनी कैंटीन से लिए। यू आर चालाक ब्रो। पानी लिया मैंने और अब कोशिश करूंगा इसी में सर्वाइव करूं, मैं जरा पैसे ना खर्चूं किसी चीज पे, क्योंकि 24 आवर्स हैं और 24 आवर्स बहुत होते हैं यार, क्योंकि अभी बज रहे हैं 3, यू नो 3:10 हो रहे हैं, तो कल हमें इस टाइम तक सर्वाइव करा 1000 रुपीज में, जस्ट इन 1000 रुपीज खाना पीना सोना उठना बैठना सब कुछ। उम्मीद भाई वॉश कर रहे हैं गाड़ी और हम यहाँ पे कश लगा रहे हैं। वाह जी वाह सुभान अल्लाह। हाय हाय मैकडी भी है, स्वीट क्रीम भी है, अब हर जगह मुझे ना महंगे महंगे खाने मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे 1000 रुपए में कुछ खाने को मिलेगा, क्योंकि मैंने खाना भी है, पेट्रोल भी पूरा करना है, ठीक है, और मतलब सब कुछ कल तक, तो अभी समझ नहीं आ रही। मैं ना अभी पूरा गरीब हूँ तो भाई मैं अभी सस्ते खाने ढूंढ रहा हूँ, सस्ते खाने मुझे कहाँ मिलेंगे। बुंदू खाने यहाँ पे केक्स एंड बेक्स है, जॉनी एंड जुगनू है, बिरयानी मास्टर भी है भाई। इस टाइम में सबसे सबसे यू नो सस्ती चीज हमें बिरयानी मास्टर मिलेगी। तो रुको जरा सबर करो। और मेरा बहुत मन था बिरयानी खाने का, चलते हैं बिरयानी खाते हैं यार, बहुत 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 भूख लगी है भाई, बहुत भूख लगी है यार भाई, फुल गरीबों वाला सीन हो गया मेरा भाई, मैं आज फुल यू नो गरीब हो गया हूँ। अब अल्लाह करे अरे इनकी सस्ती हो बिरयानी भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो यार, कितने की बिरयानी है? 350 की। हाँ। 350 की कर दो एक, लेकिन फुल स्पाइसी करनी है, रायता साहब भी करना है। टोटल कितने बन जाएंगे? 410। अरे भाई मुझे डेर मिला हुआ, मैंने 1000 रुपए में मतलब अपना सारा करना है, खाना पीना पेट्रोल सब कुछ, चलो कर दो ठीक है। 410 बढ़ गए भाई, 1000 रुपए में से 410 डिडक्ट हो जाएंगे, 410 डिडक्ट हुए तो रह गए हमारे 590। हाँ 590 रह गए, 590 में पेट्रोल खत्म पूरा हुआ मेरा, कैसे पेट्रोल खत्म पूरा हुआ। अरे भाई कितना मुश्किल हो रहा है यार, 410 गए 410 मेरे, 590 रह गए यार, कल तक कैसे करूं। कुछ सोचते हैं या कहीं फिर गाड़ी खड़ी कर दें ताकि पेट्रोल ना लगे वही ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोल बहुत कम रह गया है। तो अभी बिरयानी खाते हैं, पेट भरते हैं, फिर सोचते हैं, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा अभी, पहले मुझे खाना खा रहा, फिर सोचते हैं भाई। okay. देखो अब सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब सिर्फ तुम लोगों के लिए गाइस, सिर्फ तुम लोगों के लिए मैं 1000 रुपए में पूरा दिन गुजार रहा हूँ यार, पूरा दिन जब 2 दिन गुजार रहा हूँ 24 घंटे 24 आवर्स इन जस्ट 1000 रुपीज। सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि जब भी न्यू ब्लॉग अपलोड हो तुम लोग मिस ना कर सको। यही सर्व है, बस दे दो स्पाइसी करके यार, बहुत भूख लगी है मुझे। सर्वाइविंग 24 आवर्स इन जस्ट 1000 रुपीज बहुत डिफिकल्ट है गाइस, बहुत डिफिकल्ट है। ले आओ ले आओ ले आओ, बड़ी भूख लगी है मुझे यार, ए मतलब इतनी बड़ी ट्रे, ओए 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 यार, साथ स्टिंग भी देना हाफ लीटर है, नहीं पेप्सी मिल गया भैया, तो रेगुलर है पेप्सी, रेगुलर कर दो एक। सो बिरयानी तुम लोग चेक कर सकते हो, क्या वल्लाह वल्लाह क्या शक्ल है, क्या सूरत है, सैलेड रायता भाई। मुझे लगता है कि हमारा दिन अच्छा निकल जाएगा, क्योंकि बिरयानी काफी है, और चेक करते हैं टेस्ट भी है कि नहीं है। वल्लाह मजेदार भाई, मेरा आज का पूरा दिन निकल जाएगा, मैं इसके बाद कुछ ना भी खाऊं तो इजी है। एक परफेक्ट मील है,
परफेक्ट डाइट है, परफेक्ट खाना है, आज का पूरा दिन मेरा इजीली निकल जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 15 मिनट्स लेटर ये पैक कर देना यार जितना भी है, ठीक है सैलरी पैक कर देना। तो खा लिया और पेट का भी फुल हो गया है। मैंने तुम लोगों को बताया ना कि दो दिन ये मेरा आज का दिन निकल जाएगा इस बिरयानी में। तो हाँ हाफ मैंने खाई, हाफ मैंने पैक करवा ली और जब भूख लगेगी आहिस्ता आहिस्ता खाता जाऊंगा, ठीक है। बाकी बाकी अभी टाइम हो रहा है 5 o'clock, 5 बज चुके हैं और शाम रात आधी रात फिर सुबह फिर दोपहर, तो उस टाइम तक हम गाड़ी से नहीं निकल सकते और हमें गाड़ी में बैठे सर्वाइव करना है 1000 रुपये में। 1000 रुपये क्या, अब तो लग गए सारे, यू नो अब सारे लग गए पैसे और इसमें से 600 वो काट लेगा, 630 क्योंकि बोतल ही मंगवाई है हमने, तो हाँ काफ़ी पैसे डिडक्ट हो जाएंगे हमारे पास, रह जाएंगे 200 या 300, अल्लाह करे इतने ही रह जाए और फिर देखते हैं क्या करना है। वही पैसे तो ख़त्म हो गए सर, कितना हो गया यार? 47। अरे यार मतलब कितने बचते हैं बकाया? 500-300। अरे मैं 200-300 का सोच रहा था कि इतने मिल जाए काफ़ी हैं, क्योंकि मैंने आज का पूरा दिन सर्वाइव करना है 1000 रुपीज़ में, खाना पीना पेट्रोल सब कुछ। 400 तो आप ही ले लिए मुझसे यार, 400 नहीं 500 है। थैंक यू यार, बाकी इस पे सर्वाइव करना है हमने यार, चलो शुक्रिया। अच्छा तो अब मैं जा रहा हूँ वापस घर क्योंकि पेट्रोल बहुत ही कम रह गया है और अभी घर चलते हैं। गाड़ी से बाहर नहीं निकलूंगा, टेंशन मत लो, मैं अपनी कार से बाहर नहीं निकलूंगा, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं 6:15 हो रहे हैं और कल 3-4 बजे तक हमें गाड़ी में ही रहना है, तो टेंशन मत लो, हम कार में ही दिन गुजारेंगे अपना आज का भी और कल का भी। 1 hour later मैं फाइनली अपने घर पहुंच गया हूँ, अब चलते हैं गेट खुलवाते हैं अंदर रुकते हैं, रहना तो गाड़ी में है, घर जाके भी आप बैठ नहीं रह सकते रुमान भाई, आपको गाड़ी के अंदर रहना, आपको रोला के अंदर ही रहना। तो अभी पार करते हैं और गपशप लगाते हैं थोड़ा टाइम उसमें गुजारते हैं आज का, और उसके बाद फिर सोना भी यहीं पे है, बेड और मतलब रजाइया और पिलोज वगैरह हम यहीं मंगवा लेंगे, कंबल वगैरह। तो देखते हैं कैसा आने वाला है आज का सीन। घर से बाहर तो आओ, हैं घर से बाहर आओ, क्यों? काम है भाईजान, अब चाहे काम हो जो मर्जी हो मैं नहीं आ सकता गाड़ी से बाहर। चैलेंज ये है सर्वाइविंग 24 आवर्स इन माय कार इन जस्ट 1000, मतलब मैंने 24 घंटे अपनी इसी गाड़ी में गुजारने हैं कल तक, कल दोपहर तक मैं गाड़ी से बाहर नहीं आ सकता, मैंने सोना भी यहीं पे है और मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए थे, 1000 रुपए में से ये कुछ पैसे रह गए हैं, 500-550 रह गए हैं, मैं यही खर्चूंगा, मैं कल तक इससे ऊपर एक रुपया नहीं खर्च सकता। अच्छा बाकी ना अभी मैं गाड़ी में रहूंगा, गाड़ी से बाहर मैं नहीं आ सकता, ठीक है 24 घंटे मैंने यही गुजार रहे हैं। मैंने शुरू किया था चैलेंज 2-3 बजे, तो मुझे कल दोपहर के 2-3 बजे गाड़ी से बाहर आना है, तो सोना वोना भी मैंने यहीं पे सब कुछ मैंने यहीं पे करना है, तो मुझे खाली बोतल मिलेगी खाली बोतल? हाँ तो क्या करना है, पेशाब आया बहुत जरा शिशु आया मुझे भाई तो मैं बाथरूम नहीं जा सकता, मुझे बोतल में याद करना है सब कुछ, कितना ऑकवर्ड लगता है यार, कितना बुरा लगता है यार, मतलब तो बोतल में करना है। कोई तुम लोगों को था ना कि बॉट 424 आवर्स चैलेंज, तुम लोग कमेंट करते हो ना मेरी इंस्टा पे और यूट्यूब पे, अब बॉट हो गया भाई, अब चैलेंज आ गया 24 आवर्स पर, अब झेलो, अब मैं वो भी यहाँ करूँगा बहुत शुक्रिया, साफ बोतल है ना, अभी गंदी होने वाली है, अब इसमें ही करना है जो करना है, देखो खाली बोतल है ना, अब इसमें मैंने करना है भाई क्योंकि मुझे बहुत तेज भाई लाइट ऑफ कर दूं मैं, रुको मेरा बाहर से भी देखना, देख मैं ये क्या कर रहा हूँ, रुक जाओ गाइस फाइनली ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ।
बोतल में कर दिया मैंने, मुंह दिया बोतल में मैंने। भाई बहुत मैं क्या गली सर्कस कर रहा हूँ मैं ब्लॉग में, मैं क्या करूँ, 24 घंटे बाद तुमने चैलेंज दिए तो फिर झेलो, करो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ अगर तो मुझे छोटा भी सीन हुआ मेरे साथ, मुझे छोटी आई है अभी, सोचो अगर बड़े ही आ गई है गड्डी में कर दूंगा यार। अभी से मुझे उलझन हो रही है अपनी गाड़ी से, 24 hours चैलेंज क्यों मैंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। बढ़िया मेरा सारा सीन बढ़िया यार, अल्लाह ताला प्लीज आज की रात जल्दी गुजार दे, कल तो फिर को रात पूरी रात यार सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, पीछे रिजाई भी आ जाएगी, तकिया भी आ जाएगा और रिजाई भी आ जाएगी, मतलब कंबल और पिलो आ जाएगा पीछे स्कोन से लेट सकता हूँ। हे फैम, सो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, इससे जो अब अगला व्लॉग आएगा उसमें मैं गिव अवे करने वाला हूँ, और गिव अवे होगा 10,000 रुपीज का, मतलब 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए मैं आप लोगों को दूंगा। उसके लिए करना क्या होगा, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि जब भी न्यू व्लॉग अपलोड हो तुम लोग मिस ना कर सको, स्पेशली इससे अगला व्लॉग जो अपलोड होगा, जो अब इसके बाद मैं न्यू व्लॉग अपलोड करूंगा उसमें मैं गिव अवे रखूंगा। अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे इस व्लॉग को अपने 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया और अपने 10 दोस्तों के साथ, 10 फ्रेंड्स के साथ आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया मेरी, तो काइंडली उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे इंस्टा पे मुझे सेंड करो, और इंस्टा पे भी फॉलो करना मत भूलना, ये मेरी इंस्टा की आईडी है या यूजर नेम है, और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम का लिंक होगा, उधर जाके फॉलो मारो और उसके साथ मुझे मैसेज करो स्क्रीनशॉट के, हाँ भाई हमने आपको सब्सक्राइब कर दिया, बेल नोटिफिकेशन ऑन भी कर दिया और अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया। इससे ये होगा मेरे पास आप लोगों के नेम्स आएंगे और मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के नेम्स बोलूंगा, ठीक है, उसमें से जो एक निकला उसको मैं 10,000 रुपए दूंगा, प्लस उससे मैं खुद मिलूंगा, खुद जाके 10,000 दूंगा और अपने व्लॉग में उस बंदे को लूंगा और शाउट आउट भी दूंगा, आई प्रोमिस। सो यार रेडी हो जाओ, देर मत करो, नेक्स्ट व्लॉग, इसे जो अगला व्लॉग मेरा आएगा उसका वेट करो। हो टाइम काफी हो गया है, 8 बज रहे हैं, तुम लोग देख सकते हो 9 बजने को आ गए हैं बस। सो अभी हम बाहर की गेड़ी मार के आते हैं, मुझे बहुत घुटन हो रही है, अभी एक चक्कर लगा के आते हैं और कैंटीन से कुछ पीने को पकड़ते हैं अपनी कैंटीन से, क्योंकि मैं ये वाले पैसे नहीं लगा सकता, मुझे सेव करने हैं कल तक, अभी कुछ पकड़ते हैं कैंटीन से पीने को, लेट्स गो। अजीब लग रहा है, गुस्सा आ रहा है मुझे ब्रो, लेट्स गो, कोई बात नहीं, हमने व्लॉग करना है, चैलेंज मिला तो करना है, हमें फैंस के लिए करना है। यार सईद भाई मैंने खुद निकलना था लेकिन मैं गाड़ी से निकल नहीं सकता, तो कैंटीन से ना मुझे कुछ ठंडा पकड़ा दो, कोई ठंडी फांटा की बोतल पकड़ा दो सिर्फ यार, और एक लेस पकड़ा दो। शुक्रिया सईद भाई, नहीं, बस ठीक है, इससे ही काम चलेगा, कोक और लेस से ही, बस ठीक है। अच्छा तो अभी एक काम करते हैं, काफी देर से मैं मुनीब से नहीं मिला, मुनीब जो मेरे अक्सर ब्लॉग में होता है मेरा दोस्त, उससे नहीं मिला मैं, तो गाड़ी से बाहर निकल ही सकते, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी हम LDA जाएं और LDA जाके मुन्नी से मिलने, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है उससे मैं नहीं मिला, अभी तक उसे कॉल भी नहीं की, उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो घर भी होगा, वेला तरीन इंसान है वो। अच्छा तो लेस शेस चल रहे हैं यार, कोक भी चल रही है, तो मसला अब आता है पेट्रोल का, ए मसला सारा पेट्रोल दा है। इतनी शर्म आ रही है मुझे, इतना बुरा लग रहा है कि मैं जाके इस बंदे को 500 का पेट्रोल लगा दे, गाड़ी इतनी बड़ी है क्या कहेगा। अरे यार शिट 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 शिट, सामने को भाई कैसे उठी हो यार, यार ये ना 500 का पेट्रोल डाल यार बुरा ना माना, दरअसल ना मुझे चैलेंज मिला 24 घंटे का, मैंने 1,000 रुपए में मतलब सरवाइव करना है,
तो 500 बचे थे मेरे, तो मैं पेट्रोल डलवा लिया उसका। ठीक है यार, बड़ा बुरा लग रहा है मुझे। मतलब भाई क्या सोच रहे हैं, मतलब यार इतनी बड़ी गाड़ी लेके आया और 500 का पेट्रोल डलवा रहा है, ये गरीब इंसान। अभी यार वो मैं देखो यकीन नहीं आ रहा तुम्हें। देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये ए ए ए ए ओ जा 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 ये देखो 400 ये ए ए 500 का पेट्रोल आ गया भाई, और मीटर फ्री वही पे देख लो। ओके भैया थैंक यू। नीडल देखो यार, लिटरली भाई ने मेरे चेहरे की तरफ देखा एंड ही इज लाइक, अरे पागल वागल है क्या, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी 500 का पेट्रोल बोल रहा था भाई। अच्छा तो अभी ना मैं जाऊंगा मैक टोबैको, क्योंकि और मैं यहाँ पे रॉन्ग टर्न ले रहा हूँ, मुझे पता है यार पेट्रोल इतना नहीं है मेरे पास, तो मुझे रॉन्ग टर्न लेके इधर जाना है मैक टोबैको पे यहाँ पे, ठीक है, ताकि मैं फ्लेवर इसका फील करवा सकूँ। मेरा दोस्त वहाँ पे काम करता है, उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार क्या मुझे वो फ्लेवर फ्री में फिल करके दे सकता है, मैं उसको मतलब कल पैसे दे दूंगा, आज पैसे नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि बोलता हूँ पैसे 500 रह गया यार, 500 में फिल करा लो, मेरा फायदा क्या है यार, मैं सारे पैसे इसमें नहीं डालूंगा। अच्छा आ गया अपना दोस्त आ गया, आजा ब्रो आजा 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 आजा, कैसा भाई? मैं फिर तू सुना। अच्छा व्लॉग? हाँ व्लॉग यार, एक यार को किधर जा रहा था, एक मसला हो गया। हाँ बोल, मैं बताता हूँ तुझे, छोड़ दे देख। अब मसला ये है कि अभी मेरा चला 24 आवर्स इन कार, ठीक है, ओह माय गॉड, ठीक है, मतलब मेरा चैलेंज है ये, ठीक है, मैंने 24 घंटे अपनी इसी कार के अंदर गुजारने हैं। ओके, और पैसे मेरे पास सिर्फ 1000 रुपीज है। अच्छा, ये चैलेंज सुबह से स्टार्ट हुआ है, तो मैंने 24 आवर सर्वाइव करना है 1000 रुपए में, और 1000 रुपीज में, मतलब 24 आवर सर्वाइविंग कहने जितना कार फॉर, ठीक है, मतलब 1000 रुपीज में करना है। सही है, तो 1000 रुपए से ऊपर लगा सकता है। पेट्रोल वाली जो बात है, पेट्रोल मेरा 500 का लगाया है, और सुबह बिरयानी खाई थी, और अब ये 300-400 रह गए, बस पता नहीं दिखाते रहे यहाँ पड़े नीचे पड़े होंगे। ओह माय गॉड, मैं खजाना मिल गया मुझे। तो भाई तेरे से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि मुझे अभी वेव का फ्लेवर तो मैं ले नहीं सकता, तो मुझे क्या तू वेव का फ्लेवर फील करके दे सकता है? ले ले, तुझे पैसे में से कल दे दूंगा। ले ले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसके पैसे तुझे मैं कल दे दूंगा, ठीक है, चल मैं लेके आया। ओके ब्रो, कौन सा डालूं भाई? कोई भी डाल दे, कोई फ्लेवर डाल दे, लेकिन फुल कर दी इसको प्लीज। A few moments later. अरे ठीक है यार, अंश एक बात बता, कितना तूने चीप लगा होगा मेरी हरकत से ना, कि मतलब ये क्या गरीबों वाली हरकत की है मैंने यार। भाई कौन सा नॉर्मल बात है, पहली बार है। अच्छा तो अभी ना मैं कर रहा हूँ अंश का वेट, क्योंकि अभी अंश ने मुझे कहा यार आधा घंटा तू और रुक जा यहाँ पे, और जब मैं आऊंगा तो फिर हम इकट्ठे मुनीब के पास चलेंगे। तो मैंने भी कहा यार चलो ठीक है, मैं अकेला बोर हूंगा, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आधा घंटा हाफ एन आवर मैं वेट कर लूँ, और जब अंश आ जाएगा तो फिर हम अंश के साथ चलेंगे मुनीब के पास। बाकी मुझे बताओ मैं क्या करूँ यार, 30 रुपए सिर्फ 30 रुपए वैसे करने। तो अभी क्या, और ओ ओ ओ ये देखो अब तक यूरो ना से ब्रो, इसे हम पीछे गए थे ताकि जी लग रहा है यार, इसको हम यहाँ रख देते हैं यहाँ पे। अच्छा तो फाइनली अनस आ चुका है हमारे साथ, मुनीब के घर हम पहुंच चुके हैं फाइनली, और अब मुनीब का वेट कर रहे हैं कब मुनीब आएगा, क्योंकि पैसे बिल्कुल नहीं है, 30 रुपए रह गए हैं, 30 रुपए के अब क्या करें, बत्ती बनाए, बत्ती ये बना लेगा और जो करना होगा ये कर लेगा। चल ठीक है, चल चल मुनि इधर आ यार, ठीक है जा रहे हो, ओए लड़की आई हुई है, साथ लड़की आई हुई है, साथ लड़की आई हुई है, कौन लड़की साथ बैठी है, क्या मतलब साथ बैठी है ना, वो नीचे तो नीचे का नजर नहीं आ रहा, पीछे आके बैठ, पीछे आके बैठ, क्या मतलब लड़की साथ तक पीछे आके बैठ, पागल तो नहीं है, सलाम कर सलाम कर सलाम कर सलाम कर सलाम तो कर, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, गड़ते हैं
एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे मारो। अच्छा भाई अभी जो चैलेंज है, मैं तो अभी इस चैलेंज में बिल्कुल गरीब हो चुका हूँ क्योंकि 30 रुपया मेरे पास है इस टाइम, फायदा तो कुछ नहीं है। तो तुम दोनों में से अमीर कौन है जो अभी कुछ फिरा सकेगा मुझे? मुन्नी मुन्नी ताजा ताजा बदनाम हुई है, खराब हो जाएगा। मैं माँ बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। यार तीन मुद्रीला और बोतल लाजमी कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तीन बैठ के खाने का मजा नहीं आएगा गाड़ी में, क्या गर्मी गर्मी लग रही है। अंदर बैठ के खाते, अंदर बच्चियां भी है। क्या चल यार रुमान भी आ जाओ यार। ओए मामा जी बैठा हुआ है हमारा रूमी 24 घंटे मैंने गाड़ी में रहना। देखो किस तरह ये मुझे दुख दे रहे हैं। ये सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, लड़कियों के लिए भी कर रहे हैं, और जो देख रही है उनके लिए भी है। या लड़की क्या तेरी बहन है इसकी, ये तो बात माननी पड़ेगी। देखो सारी लड़कियाँ इसकी बहने हैं और सब भाइयों की बहने हैं मुझे छोड़कर। वाह जी वाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात मजे की, हाँ बाथरूम आ रहा है बहुत तेज, बाथरूम आ रहा है। शापर ला के दे। नहीं ब्रो ऑलरेडी पीछे बोतल पड़ी हुई है, वो उसमें मैंने बहुत बुझारे थे, नहीं खाना खाना हमने। हमने खाना नहीं खाना यार, बता तो दे भाई पड़ी है यहां। हां अल्लाह ही कह रहे थे तू हाथ धो के चल निकल यहां से, ओ इसको निकालो यहां से। यार ये तो क्या बनता है भाई, ऊपर मैंने बताया भी नहीं मेरे पांव में क्या रखा हुआ है। ये वही तो नहीं थी, वही चेक करो झूठ बोल रहे। अल्लाह की कसम बस ये वही थी। ओ यार तुझे धुलवाने मान भाई। हाँ जी भाई, इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? गेम्स खेल के ब्रो। हम भी काफी जॉब कर रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? भाई अच्छा गेम्स का नाम सुना तूने कभी? नहीं। इसीलिए तुम्हें पैसों का मसला है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अच्छा गेम्स एक ऐसा गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसको आप खेल कर कुछ ही दिनों में इतने पैसे कमा सकते हो। हम भी इतने पैसे कमाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, लिंक मेरे YouTube कमेंट सेक्शन में पिंड होगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा और मेरे Instagram के बायो में भी होगा। उस लिंक पर क्लिक करो, डायरेक्ट वेबसाइट पे जाओ अच्छा गेम्स की और खुद को मेल इनविटेशन लिंक के थ्रू रजिस्टर करो। कोई जरा फीस नहीं है आपको, जस्ट 300 रुपीज, 300 रुपए डिपॉजिट करवाने हैं। और जब वो 300 आप डिपॉजिट करवाओगे उसके बाद आपको 100 का बोनस मिलेगा। तो उन्हीं 400 रुपीज 400 रुपए से गेम्स खेलना स्टार्ट करो और 3 से 4 दिनों में इतना पैसा इकट्ठा करो। इजी पैसा जैस कैश पाकिस्तानी लोकल बैंक के थ्रू आप इजीली डिपॉजिट एंड विथड्रॉ कर सकते। आज ही रजिस्टर करो अच्छा गेमिंग प्लेटफॉर्म पे, मेरे लिंक के थ्रू रजिस्टर करो और आज से पैसे कमाना शुरू करो घर बैठे बैठे गेम्स खेलकर। सो शर्माज आ चुके हैं भाई, दो बस एक और चाहिए। पहले 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 ले ले दो, ये ले उन्हें, तो तीसरी नहीं आई भाई आ जाएगी अभी। यार अब मैं ना अभी सच सच तुम लोगों को मैं हाथ नहीं धो सकता, लेकिन नहीं पानी है यहाँ पे गाड़ी में, उससे पानी मंगवा ले। नहीं पानी है, हाथ बाहर निकालना मैं धुलवा दूँ। गरम गरम मोबे इधर भी लेके आई यार। ओए होए बस 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 इसका फोन धुलवा फुल। अबे साले तो चेक करते हैं कितना स्पाइसी है शर्मा। मोबे ये ले तेरा हिस्सा। ये कहाँ से आवाज निकल रही? फटे चार हो गई है, मैं मरने वाला हूँ। कहता बर्दाश्त कर लोगे? कोई मिर्चे नहीं है। मैं अभी ना मेरा बाहर निकलने का बहुत दिल कर रहा है लेकिन मैं बाहर निकल नहीं सकता और ये लोग वही बाहर गए हुए हैं। अभी वही दिल कर रहा है बाहर की हवा ले लूँ बस, एक दो बाहर की बाहर आ गया है वो। चैलेंजर में टूटा मारूंगा चैलेंजर। अभी अभी अंदर बैठना पड़ेगा। अच्छा तो अभी इस बोतल को हम फेंक देते हैं बाहर को, कौन फेंकेगा इसको? इसको कौन फेंकेगा? कौन फेंकेगा इसको?
मैं फेंकता हूँ। ओ गई, बोतल गई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अब चलते हैं जेदी के बाग की तरफ, क्योंकि इनकी रिक्वेस्ट है कि जेदी का बाग आ रहा है। नहीं है भाई, मैं नहीं खाता। तो भाई ये मैं हूँ, मैंने कभी नहीं खाया, लेकिन एक नसी टकरा मैं ये जो इस तरह के उल्टे सारे काम करता है। भाई ये तो वापस कर दो उनका। क्या? अरे ओए ट्रे रख लेते, कोई नहीं भेज देंगे। जेदी, सो गाइस हम जेदी पहुंच चुके हैं और लेके आओ भाई, लेके आओ पान भाई मेरे लिए। चलो चल चलो मुन्नी, सही तरह लगवाई चॉकलेट वाला मजेदार चॉकलेट पान लेना। हाँ चॉकलेट लावा, चॉकलेट लावा। हाँ ठीक है, हैं यार मेरे पास सिर्फ 30 रुपए बचे थे और वो आपको सारे के सारे मैं दे रहा हूँ मेरी जान। हाँ हाँ चूटा दे दूँ यार अभी तो ना। अच्छा अभी मेरे दोस्त आते हैं ना, फिर उसे देता हूँ। ठीक है नहीं खड़े रहो आप, ठीक है जब वो आएंगे मैं देता हूँ। ये कोई हरकत नहीं है बेटा, नेक्स्ट टाइम मैं भी इस तरह करूंगा। मैं अब गाड़ी से बाहर ही हंसता रहा, तुम दोनों का मुंह तोड़ देता मैं। यार ऐसे ना करो, जीप बगैरती है यार, ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं गाड़ी से बाहर नहीं हंसता, इसका मतलब ये तो नहीं है तुम लोग इस तरह बैठ जाओगे। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर आओ। यार ये ना एक छोटी सी बच्ची है, और एक ही बच्चा, ये कह रहा है गाड़ी में एक झूला दे दो फिर हमें यहाँ के उतार देना। तुम दोनों पीछे आओ, इनको आगे बिठा देते हैं, इनको झूला देते हैं। बोतल फेंक दी थी ना। हाँ हाँ ठीक है, आज इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है मजा आया। नाम क्या आपका? तुम्हारा नाम क्या है? अरीशा। अच्छा दो सौ रुपया हाँ यार, अब मैंने घर जाना है फिर। ओके बाय बाय। मजा आया आप लोगों को? हाँ फुल मजा आया। गाड़ी कैसी लगी आप लोगों को? बहुत अच्छी, अच्छी लगी है। चलो इंशाल्लाह फिर कभी मिलेंगे, ठीक है फिर आपको सहरे कराऊंगा। चलो ओके। तो अब हो गया है इन दोनों का दिन ओवर और मेरा दिन स्टार्ट हो गया अभी से। चांद भी नजर आ रहा है यार, क्या बात है, नज़ारे हैं, लेकिन नींद भी बहुत आ रही है यार। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा सोने का ब्रो। ओहो सॉरी, बहुत दिल कर रहा है सोने का, लेकिन अब समझ नहीं आ रही, दिमाग मेरा काम होना छोड़ रहा है। सो अब रजाई वगैरह कंबल पिल्लो वगैरह लगाएंगे और भाई नशे में गिर जाएंगे। हो गए मुन्नी जानू, हाफिज़ यार मिलते हैं भाई। काश मैं आपको बाइक मिलके जब भी डाल सकता यार, काश मैं भी यार। तू बाहर से पीछे आया तो मैं, तू आंखें बंद कर ले। डन चल ब्रो, ओके कर, मिलते हैं फिर जल्दी। ओके ब्रो। मजेदार सीन्स हैं, क्या नजारा है, रुमान आज तुमने कार में ही गुजारनी है। ओले पुलिस वाले, अरे शिट पक्का रोकेंगे। सलाम जी, कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। कार कूर चेक करनी तो यहीं बैठे करनी पड़ेगी, मैं गाड़ी से बाहर आ नहीं सकता क्योंकि मुझे चाय नहीं मिला हुआ है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं गाड़ी से बाहर नहीं आ सकता 24 घंटे के लिए। चेकिंग शेकिंग करनी है तो यहीं बैठे कर लो। बाकी सो अभी टाइम क्या हो रहा है? सो अभी टाइम हो गया है, तुम लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट 1 बज चुका है।
सो द थिंग इज हमने सर्वाइव करना है 24 आवर्स के लिए, तो हम एक काम करेंगे, अपने गार्ड को भेजते हैं और उसको कहते हैं कि ऊपर से मुझे कंबल और पिलो ला दे ताकि मैं आराम से पीछे सो सकूं। तफीक यार एक काम करा तूने, आपको जैसे कि पता है कि मैंने 24 घंटे गुजारने अपनी गाड़ी के अंदर बिना बाहर जाए कुछ किए, मैंने गाड़ी में सोना है और कल मैंने 3 बजे बाहर आना है मतलब दोपहर को, ठीक है? तो अब सर्वाइविंग 24 आवर्स इन अ कार जस्ट इन 1000 रुपीस वाला चैलेंज है हमारा, तो आपको क्या करना है स्वीक भाई? मैं तो बाहर निकल नहीं सकता, तो आपको जाना है मेरे कमरे में, मेरे कमरे से जाके पिंक रिजाई होगी वो ले आना, एक तकिया ले आना, बस वो ले आओ। ओनली बाकी सारा कुछ यहीं पे है बड़ा। हाँ बाकी सब कुछ है, बाद में मुझे ना कहना। नहीं नहीं बस जो भी काम होगा बस कैंटीन से कुछ खाना पीना होता वो मंगवा लूंगा, बाकी और कहीं नहीं जाना आपने। A few moments later. हाँ जी आ गया आपकी रजाई और ये तकिया आ गया, दे दो रजाई, बल्कि पीछे रखो बल्कि अंदर फेंक दो। हाँ इधर रख दो। ए ला जी ये लो। मामा कुछ कहती हैं? हाँ क्या कह रही है? कह रही किस लिए जा रही है? हाँ कह रही कि किस लिए लेके जा रहे हो? मैंने कहा मुझे नहीं पता, सुनकर ले आओ। उनको पता है कि मतलब मैं कर रहा हूँ चैलेंज, बताई भी ना उनको, बना उन्होंने कह रहे घर आ जाओ, ठीक है? तो बाकी रिजाई और पिल्लो आ चुके हैं अपना और हमने आज पूरी रात गुजारनी है गाड़ी में सुबह तक। पहले मुझे चाय के लिए दो पैसे। भाई भाई चैलेंज क्या पता तुझे? 24 घंटे 1000 रुपए में मैंने गुजारे, मतलब 2 दिन मेरे पास, और उससे मैंने सिर्फ 1000 रुपीज खर्च करने, उससे ऊपर खर्च कर नहीं सकता। तो मैंने पैसे मेरे पास रखे भी नहीं ताकि मुझसे लगना जाए, तो मैंने 1000 रुपए रखे और उसमें से भी 30 रुपए रह गए थे, वो बच्चा आया था बच्चे को मैंने दे दिए थे। ये भी ठीक है। बाकी रिजाई और तकिया अपने पास आ चुका है और जैसे कि मुझे लगता है कि आज की रात अच्छी निकल जाएगी क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है। रोना तो मेरा साथ दोगी ना? अरे बस कर भाई। यार सच बताओ ना तो वेप ने जितना साथ दिया है मेरा ना भाई बहुत है भाई। ओ आइए, अरे ठंडा पानी, ठंडी वांटा और गिलास दो, क्यों तू नहीं पीनी है? नहीं पी ले, मैं बोतल पीता ही हूँ। अरे क्या हुआ, 3 गिलास भाई, मेरे साथ कुछ जिन भी बैठे हैं यहाँ पे जिनको तूने सर्व करना है। हद होगी यार, लोग वालों को पिला देना। अरे गाइस यार इनके लिए तो जान भी हाजिर है। हाय हाय तुझे पता है सुबह से मैंने सिर्फ बिरयानी खाई है और 8 शवरमा खाया, वो भी दोस्तों ने खिलाया मुझे। हाँ अच्छा, तो तुम लोग देख सकते हो पीछे कंबल रख लिया है और पिलो भी रख ली है और मुझे आ रही है काफी नींद, तो मैं अब बाहर से तो पिछली सीट पे जा नहीं सकता, अब मैं इधर से पीछे जाऊंगा क्योंकि बाहर से तो जाने से आ रहा, मैं अब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मुझे लिटरली डूड बहुत नींद आ रही है, तो अब यहीं से पीछे जाऊंगा मैं और सो जाऊंगा, बहुत नींद आ रही है, नींद आ जाएगी मुझे गाड़ी में क्योंकि मुझे बहुत बहुत तेज नींद आई हुई है। चलते हैं पीछे। मुझे लाइट्स ऑफ कर लेनी चाहिए, नहीं रहना सीट्स ऑफ कर लूं ताकि अच्छा तुम लोगों को एक बात बताऊं, मुझे ना सीरियसली अपना अब थोड़ा थोड़ा मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे ना गुस्सा आ रहा है कि मतलब यार इतना मतलब मैंने देखा यूट्यूबर्स वो यूट्यूबर्स ये करते हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स वो करते हैं, और यार वो कैसे करते हैं? मुझे लगता है यार बड़ा ईजी है, गाड़ी में रहना क्या करना है, गाड़ी में रहना है, गाड़ी है भाई, ए सी चलता है मजेदार भाई, ए सी चल रहा है यहाँ भी, लेकिन
यार बहुत मुश्किल है यार। कहते हैं ना जब तक आप किसी चीज को खुद मत करो ना तब तक आपको पता नहीं चलता वो चीज कैसी, मतलब कितनी डिफिकल्ट है वो चीज। तो हम शुरू से यूट्यूबर्स को, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते आए कि मतलब और हमें लगता था यार कितना इजी है यार, और मतलब कितने व्यूज ले रहे हैं ये, सब्सक्राइबर्स ले रहे हैं। ब्रो ऐसा नहीं होता, मैंने किया है मुझे पता है। सबसे डिफिकल्ट सबसे मुश्किल व्लॉग यही होता है, मुझे आज पता चला है। बाकी अभी ये है बॉक्स जो कि हमारे एक फैन ने गिफ्ट किया था हमें, थैंक यू सो मच। लेकिन इसको मैं अभी नहीं देखूंगा क्योंकि मेरा अभी बहुत दिमाग खराब है, इसको फिर कभी देखेंगे। अभी हम तकिया रखते हैं यहाँ पर और लेते हैं रजाई यानी कि कंबल और फिर सो जाते हैं। यार कितना, सच बताऊ मुझे ना इतना अजीब लग रहा है, मतलब यार अरे मैं घर भी नहीं जा सकता, अम्मा भी परेशान हो रही होंगी मेरी और अब्बा भी, यार बहुत डांट पड़ने वाली है। वो कॉल्स कर रहे होंगे, मेरा प्लेन मोड पे है, मेरा एयरप्लेन मोड पे फोन है एंड कॉल्स कर रहे होंगे। मैं उनको थोड़ी देर बाद मैसेज कर दूंगा कि परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ सर्वाइविंग 24 आवर्स वाला। ऑल राइट, सबसे मुश्किल डेयर और चैलेंज था ये। Next morning. मैंने ये चैलेंज क्यों? गाड़ी, हाँ मेरी गाड़ी की चाबियां कहाँ पे हैं? ठीक है, देख पीछे, देख पीछे होंगे। गाड़ी की चाबियां किधर है? मेरी गाड़ी की चाबी पड़ी है। हेलो, हाँ क्या है सर, आप इस गाड़ी में रह गए हो? सर आज गाड़ी में ही रह गया हूँ, तुझे बताया था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे घर वालों ने निकाल दिया हो, क्या कहेंगे लोग? अरे नहीं यार, चैलेंज था और चैलेंज बड़ा मुश्किल था, मैं सो ही गया गाड़ी में। भाई अगर मैं क्या हूँ, देखा था अभी तक गाड़ी में पड़े गए हो। काफी अजीब सी सीन हो गया मेरे साथ, पता नहीं अजीब लग रहा है। मतलब मैं कभी जिंदगी में ना, मैं बचपन में होता था जब छोटा था तब मैं गाड़ी में सो जाया करता था, लेकिन अब बड़ा सीन रहा है। थोड़ी बाहर की हवा मारते हैं, हवा खाते हैं, मुझे लगता है ठीक हो जाएगा फिर। तुम लोगों को एक मजे की बात बताऊं, मैं कभी भी इतने बजे ही निकला यहाँ से, मतलब इतनी सुबह कभी नहीं निकला मैं, कभी जिंदगी में इतनी सुबह नहीं निकला। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इतनी सुबह निकल रहा हूँ। मेरी मामा सो रही है इस टाइम, वरना उनको पता चल रहा है उन्होंने मेरी वाकई माँ बहन एक कर देनी है। यार कसम से इतनी सुकून वाली जिंदगी थी ना, मैंने चैलेंज लेके ना खराब कर दिया। शफीक सही करता, तूने चैलेंज कबूल ही क्यों किया भाई? यार क्या करता, फैंस की रिक्वेस्ट थी और अगर मैं फुलफिल ना करता तो अजीब लगता, बुरा लगता लोगों को। ठीक है, तो आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग ही मुझे सपोर्ट करते हैं और आप लोग की वजह से मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं
और थैंक यू सो मच अगेन उसके लिए यार, सिल्वर प्ले बटन भी आया। बाकी अब तुम देख सकते हो पेट्रोल कितना है, बिल्कुल एंड है, कभी भी गाड़ी बंद हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है इसका गाइस। सो अब हम घूमते हैं, थोड़ी सी हवा खा लें, थोड़ा सा मौसम चेक कर लें, मौसम तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हवा चल भी रही है। ये खड़े हैं डॉल्फिन वाले और हवा चेक करो कितनी प्यारी हवा है, वाह क्या बात है, क्या बात है। घूमते हैं, थोड़ी गेड़ी मारते हैं। यार सच बताओ मेरा सीन बहुत ही अजीब हो गया है, मतलब इतनी सुबह कभी निकला नहीं हूँ, मुझे अजीब लग रहा है। ओ लेकिन 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 एक चीज़ है, मौसम सच में बहुत बढ़िया है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। मौसम चेक करो, काफ़ी प्यारा मौसम है और फुल हवा चल रही है, बादल तुम लोग देख सकते हो, बादल भी आए हुए हैं ऊपर। चलो शुक्र है गर्मी तो ख़त्म हुई और ऐसा मौसम देखना कहाँ नसीब होता पाकिस्तान में। अच्छा तो अभी तुम लोग चेक कर सकते हो वेदर, कितना सेक्सी वेदर है यार, फुल यू नो हवा चल रही है ठंडी ठंडी और मैंने अपनी कार भी स्लो कर ली है क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है और इस तरह के वेदर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चेक करो, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि कितनी तेज हवा चल रही है और क्या नजारा है यार, वाह। मैं सुबह उठता नहीं हूँ जल्दी, मैं लेट उठता हूँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ क्या मतलब हर सुबह इस तरह का ही वेदर होता है और मैं मिस कर देता हूँ यार, क्या है मतलब। यही तो यही सीन्स होते हैं, यही चीजें होती हैं देखने वाली यार, जो कि कुदरत है अल्लाह ताला ने जो किया है। हाँ 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 चेक करो, चेक ये चीजें मजा करवाती हैं ब्रो। सो क्या वेदर है और साथ रोला, ओए ओए यार क्या वेदर है यार, क्या वेदर है, ओह माशाल्लाह यार। मैं ना फ्रेश हो गया हूँ सीरियसली, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, हेडेक था मुझे, अब मज़ा आ गया ये वेदर देख के ना, सुकून आ गया मुझे। ओह हो बादल भाई, आज पक्का आज के दिन बारिश होनी है और बारिश क्यों होनी है, क्योंकि आज रुमान सुहेल का व्लॉग आना है तो अल्लाह ने कहा कि चलो यार स्पेशल बंदा व्लॉग अपलोड कर रहा है तो आज बारिश कर देते हैं। क्या बोला तूने? चल यार रोला भी अब खुश हो गई है, ठंडा ठंडा मौसम भाई, ठंडी ठंडी हवा, रोला को भी अब सुकून मिल गया, रोला मुझे थैंक्स कह रही होगी यार। बाय द वे मैंने रोला में जितना टाइम गुजारा है, रोला ने कभी धोखा नहीं दिया, मैंने जितना भी टाइम रोला में गुजारा है तुम आज ही देख सकते हो व्लॉग में कि यार मैं कल से रोला के अंदर रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी तंगी नहीं हुई, बिल्कुल कंफर्टेबल, मैं पीछे कुशन लगा के कंबल लगा के मैं आराम से सोता रहा हूँ, मज़ेदार। ओहो हो यार ये ओए सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 24 आवर्स सर्वाइव कर लिया है कार में, यस अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अगर तुम लोगों को व्लॉग पसंद आया, और यार आना चाहिए यार, 24 घंटे मैंने बिता दिए अपनी गाड़ी में, वही कंबल वही तकिए के ऊपर यार, अब तो सब्सक्राइब करना मत, सब्सक्राइब कर दो, मुझे नहीं पता, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि जब भी न्यू व्लॉग अपलोड हो तुम लोग मिस ना कर सको। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अब मुझे सोना है आराम से अपने बेड पर घर जाके, और अगर तो व्लॉग पसंद आया यार लाइक करो, कमेंट जरूर कर दिया करो और इस व्लॉग को शेयर करो, क्योंकि गिव अवे वाला भी सीन भी तुम लोगों को मैंने बताया है, तो जो इस व्लॉग को शेयर करेगा अपने 10 दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करेगा, प्लस इंस्टाग्राम का यूजर नेम ये है, लिंक इन बायो भी होगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन भी होगा, इंस्टा पे फॉलो मारो, और तो मुझे ये तीन चीजें तुम लोग डन कर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करो स्क्रीनशॉट लेकर, ताकि अगली बार जो नेक्स्ट अब इसके बाद व्लॉग आएगा उसमें आप लोगों के नाम होंगे जो जो मुझे सेंड करेगा इंस्टा पे, ये सब चीजें करके इसके बगैर नहीं,
उसको मिलेंगे 10,000 रुपए। मैं खुद आके उसे मिलूंगा, 10,000 रुपए दूंगा, प्लस अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे शाउट आउट दूंगा और अपने व्लॉग में लेके आऊंगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मजा आ गया यार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह और भी इस तरह के चैलेंजेस करेंगे। सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए आप लोग अपना बहुत सारा, प्लीज। अच्छा तो यार तुम लोगों को एक और चीज बतानी थी कि आज कुछ लोग मिलने आए हैं मुझसे, जो कि एक हैं सैम भाई और एक हैं अब्दुल्ला भाई। तो ये पहले भी आ चुके हैं मुझसे मिलने, लेकिन मैं पहले यहाँ पे मौजूद नहीं था। 6 महीने से मैं रुमान भाई के व्लॉग देख रहा हूँ, तो मेरा बहुत शौक था कि मैं रुमान भाई से मिलना है। तो मैं जब फर्स्ट डे आया था तो रुमान भाई मुझे मिले नहीं, तो मैं बड़ा मायूस हुआ। तो आज मैं जब जा रहा था, जब भी भाई रुमान नहीं थे, तो मैं दोबारा चक्कर लगाया, मैंने कहा शायद मुझे मिल जाए। तो मुझे मिले तो मुझे बड़ी खुशी हुई। बाकी मैं यही कहूँगा रुमान भाई बहुत अच्छे इंसान है, तो आप इनको लाजमी सब्सक्राइब इनका चैनल करो, इनकी हर वीडियो को लाइक और शेयर किया। ये आप सबका प्यार है और ये इन लोगों का भी प्यार है। और आपने गाड़ी का टूर कब करवाएंगे?